गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के टॉपिक शब्द विचार पर विचार करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने शब्द विचार के कई टॉपिकों को देखा है। शब्द के डिफाइन भी आपको बताई, शब्द के काइंड्स भी आपको बताए, और शब्दों के भेद जो हम आपको सार्थक शब्दों के भेद चार आधार पर किए जाते हैं उनमें से हम आपको दूसरा पढ़ा रहे हैं। कौन सा पढ़ा रहे हैं? दूसरा। इससे पहले हमने आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ाए थे। वो चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये पिछले वीडियो में आपने जाना। अब हम बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? बनावट के आधार पर शब्दों की जो संरचना होती है, बनावट होती है, उस बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हो सकते हैं, इस टॉपिक पर आज हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और बनावट के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। उत्पत्ति के आधार पर चार भेद थे, अब बनावट के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। 1, 2, 3। नंबर 1, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का आप रूढ़ वर्ड का वर्ड मीनिंग आप जाने, परंपरा या रीति रिवाज, प्राचीनता या ऐसा होता आया है, उसे रूढ़ जो शब्द है इसका मीनिंग निकलता है कि परंपरा से ऐसा होता आया है, उसके लिए ऐसा था। तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द के बारे में आप जानें। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किया जा सकते? टुकड़े नहीं किया जा सकते, उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। यदि डिवाइड करेंगे तो उनका अर्थ प्रकट नहीं होगा, वो अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे पाएंगे, अर्थबोध नहीं करा पाएंगे यदि उनके टुकड़े कर दिए गए तो। तो वे शब्द जिनके खंड नहीं की हो सकते उनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। ये शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। किसी विशिष्ट अर्थ के लिए क्या हो जाते हैं? रूढ़ हो जाते हैं। टुकड़े, पहली विशेषता तो एक टुकड़े नहीं हो सकते। यदि टुकड़े करोगे तो उनका जो अर्थ है ना वो प्रकट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो भाव प्रकट नहीं कर पाएगा। और किसी विशिष्ट अर्थ के लिए वे वर्ड रूढ़ हो जाते हैं, परंपरा बन जाते हैं। जैसे लड़का, गिलास, किताब। अब ये ऐसे वर्ड हैं इनके टुकड़े नहीं कर सकते आप। ले को हटा दो या का को हटा दो, वर्ड का अर्थ नहीं निकलेगा। और ये परंपरा भी बन गया, लड़के का द्योतक हो गया, फीमेल का द्योतक हो गया, मेल और फीमेल पुल्लिंग का द्योतक हो गया। तो इसी तरह जैसे गिलास, गिलास जो वर्ड है इसके वर्डों को अलग नहीं किया जा सकता। यदि वर्डों को अलग करोगे, एक भी वर्ड आगे से पीछे से हटाया तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा, उसका अर्थ बोध नहीं होगा।
और गिलास शब्द एक रूढ़ भी बन गया, परंपरा भी बन गया कि वो गिलास जो चाय पीने, दूध पीने, छाछ पीने या पानी पीने के काम आता है, जो कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कांसे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, तो इस तरह से विभिन्न धातुओं से बने गए वो पदार्थ जिनमें दूध, छाछ, लस्सी पी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, गिलास कहते हैं। इसी तरह किताब जो वर्ड है ये भी कौन सा वर्ड है, रूढ़ वर्ड है। कैसे हैं, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं हो सकते, टुकड़े होंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, और फिर ये रूढ़ भी हो गया कि किसी भी विषय की किताबें, कविताओं की किताबें हों या गद्य की किताबें हों, मैथ की हो या हिंदी की हों, तो इस तरह से किताब जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, रूढ़ वर्ड है, रूढ़ शब्द है। अगला, ये बात ध्यान रहे कि विशिष्ट अर्थ के लिए क्या हो जाते हैं, रूढ़ बन जाते हैं। रूढ़ वर्ड का आपको वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा होगा, किसे कहते हैं, परंपरा बन जाते हैं एक तरह के। अगला देखो, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द को पढ़ने के बाद ही हमें पता लग रहा है कि इसमें जोड़ है, योग किया हुआ है, मिलाया हुआ है, दो वर्ड मिले हुए हैं। जो शब्द दो या दो से अधिक सार्थक खंडों के योग से बनते हैं, दो सार्थक खंड एक जगह मिल जाते हैं और तब इन वर्डों का क्या होता है, निर्माण होता है, और दो सार्थक खंडों का योग से जो शब्द बनते हैं वो ही कौन से शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है कि ये दो या दो से अधिक खंडों के योग से बनते हैं, टुकड़ों के योग से बनते हैं, दो खंडों के योग से बनते हैं, और इन्हें अलग किया जा सकता है, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, ये भी ध्यान रहे, इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, इन जबकि रूढ़ शब्दों के टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे देखिए राजमहल, राजमहल वर्ड का हम खंड कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, राजा का महल। अब ये एक प्रकार का कई सार्थक जो शब्द हैं उनका एक योग हो गया। इसी तरह गजानन, गजराज, विद्यालय, तो ये सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये है कि ये कई खंडों के योग से बनते हैं, टुकड़ों के योग से बनते हैं, और इनका क्या किया जा सकते हैं, खंड किए जा सकते हैं, टुकड़े किए जा सकते हैं, इनको अलग किया जा सकता है, अलग करने पर भी इनके अर्थ बने रहते हैं। जैसे देखिए राजमहल में हमने राजा वर्ड को अलग कर दिया, अर्थ दे रहा है, महल वर्ड को अलग कर दिया तो अर्थ दे रहा है, इस तरह से इनको अलग करके भी इनका अर्थ जाना जा सकता है, और योग करने पर ये विशेष अर्थ देने, विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। अगला लास्ट, जो बनावट के आधार पर जो शब्दों का भेद है, जो तीसरा भेद है वो है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द की जो विशेषता होती है कि सार्थक खंडों के योग से तो बनता है, टुकड़े भी किए जा सकते हैं, लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, सामान्य अर्थ के लिए नहीं, किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। अब यहाँ देखिए नील सब वर्ड अलग है, कंठ वर्ड अलग है, लेकिन ना तो नील का अर्थ दे रहा ना कंठ का अर्थ दे रहा, ये सीधा ही किसके लिए रूढ़ हो गया, भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया, भगवान भोलेनाथ के लिए रूढ़ हो गया, कि नीलकंठ वर्ड किसके लिए रूढ़ हो गया, भगवान शिव शंकर के लिए रूढ़ हो गया। जैसे दशानन, दस हैं आनंद जिसके, दस हैं आनंद जिसके, तो यहाँ दस वर्ड
अलग है, आनन वर्ड अलग है, दोनों से मिलकर क्या बन गया, दसानन बन गया, अलग किया जा सकता है, अर्थ भी दे सकता है, लेकिन विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया, किसके लिए, रावण के लिए, किसके लिए अर्थ के रूढ़ हो गया, रावण के लिए, ये किसके लिए हो गया, शिव के लिए, ये किसके लिए हो गया, शिव के लिए। और अगला है जैसे गजानन, गज के समान है आनंद जिसका, तो ये गणेश के लिए रूढ़ हो गया है, गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपने शब्द विचार के टॉपिक को पढ़ा, शब्द विचार के टॉपिक में आपने टॉपिक नंबर 2 पढ़ा, बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपने शब्द विचार के टॉपिक में शब्दों के 2 प्रकार के जो भेद हैं उन्हें पढ़ लिया है। पहले उसमें आपने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े, और अब दूसरे इस आधार पर आपने बनावट के आधार पर शब्दों के भेद पढ़े। अब अर्थ और विकार के आधार पर शब्दों के भेद और रह गए हैं, इन्हें अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखें, देखने के बाद आप फिर कॉपी में आपका जो वर्क है उसे प्रतिदिन उतारते रहें, करते रहें, ये सारी डिफाइन लिखते रहें, जैसे लिखते रहें, जिससे आगे आपके पास क्वेश्चन आंसरों के लिए ये मैटर तैयार हो जाए और व्याकरण में सभी किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं आए। तब तक के लिए धन्यवाद।